नमस्कार छात्र छात्राओं, तृतीय वर्ष कला भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हम कृषि पर चर्चा करेंगे। आज हम कृषि के योजना काल में हुए कृषि विकास पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि योजना काल, अब आप पहले तो ये बात कर लें कि योजना काल क्या होता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद आप सभी को पता है कि भारत की स्थिति 200 साल के औपनिवेशिक काल के अंदर बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी और उससे पहले राजशाही में भी आम व्यक्ति की और कृषकों की स्थिति बहुत विचारणीय और दयनीय थी। ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता के पश्चात ये निर्णय लिया गया कि आगे विकास को देखते हुए, आगे आने वाली विकास योजनाओं को देखते हुए 5 साल की विकास का खाका बनाया जाए, उसके लिए बजट आवंटन किया जाए और 5 साल तक उस योजना पर कार्य किया जाए। तो पंचवर्षीय योजना का एक फॉर्मूला या पंचवर्षीय योजना की एक सोच सामने आई, जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना बनाकर, 5 साल की योजना बना के देश के मूल संसाधनों या मूल जो फैक्टर्स सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर्स, जो इकोनॉमी के मेन सेक्टर्स हैं, उन पर काम किया जाए, उनको सुधारा जाए और उनके विकास को विकास किया जाए ताकि देश का विकास हो सके। तो ये सारे काम पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किया गया और 1950-51 से लेकर हमारी आज तक पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं और हर 5 साल बाद इनको अगली योजना बनाई जाती है। समय की आवश्यकताओं और लोगों की मांगों को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं और फिर उनको लागू करवाया जाता है। इसमें बजट आवंटन होता है और हर एक क्षेत्र के लिए एक बजट राशि आवंटित की जाती है। तो प्रथम योजना काल में जो भारत का जो प्रथम योजना काल था 1950-51 से लेकर 55 तक का, उसके अंदर कृषि के लिए 1960 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की गई, यानी 1960 रुपए का व्यय करने के लिए कृषि की रखा गया, जो उस समय के कुल परिव्यय का 37% था। आप सोच सकते हैं एक तिहाई से ज्यादा भाग कृषि को दिया गया, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी कृषि थी, क्योंकि कृषि की हालत बहुत खराब थी और भारत अपने खाद्यान्न आवश्यकताओं के लिए भी विदेशों पर निर्भर करता था। लंबे लंबे सूखे और बाढ़ों की वजह से कृषि की स्थिति का जो हाल था वो बहुत ही दयनीय था, इसलिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी गई वो कृषि और सिंचाई को ही दी गई। तो उस समय 37% कुल योजना व्यय का कृषि पर खर्च किया गया, जो कुल मिला के 1960 करोड़ था। हालांकि यह राशि 1960 कम थी, परंतु हमारी उस समय की कुल राशि के अनुपात में देखा जाए तो वो काफी अधिक थी। धीरे धीरे यह राशि भी बढ़ती गई, परंतु कुल योजना में कृषि का हिस्सा कम होता गया, यानी लगभग 20% के आसपास कुल योजना व्यय का खर्च किया जाने लगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना में कुल 40,000 करोड़ रुपए कृषि के लिए रखे गए, जो उस समय की योजना के कुल व्यय का 22% था, यानी जितना व्यय हम पूरी पंचवर्षीय योजना में करने वाले थे उसका 22% कृषि में रखा गया। धीरे धीरे करके हर साल हर योजना में कृषि के लिए व्यय बढ़ता गया। छठी पंचवर्षीय योजना में यह जो व्यय है 40,000 करोड़ से बढ़कर 1,00,000 करोड़ के करीब हो गया और अभी जो हमारी अंतिम जो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें 36,44,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई, जो कुल योजना व्यय का 9.5% है। अगर हम इस अनुपात में तुलना करें कि पहले कितना योजना व्यय होता था, तो उससे तो ये बहुत ही कम है, क्योंकि हमने बहुत कम कर दिया। परंतु अगर राशि की तुलना में देखा जाए, राशि को कंपेयर किया जाए, तो हमने कई कई गुना अपना योजना व्यय कृषि पर बढ़ा दिया है, क्योंकि अब हमारी आर्थिक व्यवस्था का आकार बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारा योजना व्यय का जो प्रतिशत है वो कम होता जा रहा है और हम बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों में भी योजना व्यय कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पंचवर्षीय योजनाओं के सहारे इस कृषि को आगे बढ़ाया गया और हर पंचवर्षीय योजना में एक बड़ी राशि, बहुत बड़ा अमाउंट हमारी कुल योजना व्यय का इस क्षेत्र में खर्च किया गया, ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके और कृषि के साथ साथ कृषि संबंधित उद्योगों में भी अपना विकास कर सके। अब हम बात करेंगे कि क्या फर्क पड़ा इस योजना काल के इतने व्यय का, क्या फर्क पड़ा। तो 1960-61 में जहाँ हम खाद्यान्नों में जो क्षेत्रफल था उसको बढ़ाया और खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाया, हम एक एक करके एक एक बिंदु लेंगे और समझेंगे कि योजना काल में हमने कैसे विकास किया। सबसे पहले हमने अपनी सिंचाई क्षमता को बढ़ाया।
सबसे जो हमारी जो सिंचाई क्षमता थी वो 1950-51 यानी प्रथम योजना काल जब प्रारंभ हुआ तो हमारी योजना थी वो 223 लाख हेक्टर थी, यानी कुल 225 लाख हेक्टर भूमि को हम सींचते थे, जबकि ये जो पिछली योजना नवी योजना थी यानी अभी जो नवी 10वीं योजना थी उसमें हम 1,082 लाख हेक्टर क्षेत्र को सींच रहे हैं, यानी 4 गुना से अधिक का हमने विकास कर लिया है। इन 50-60 सालों में हमने 4 गुना अपने क्षेत्र को बढ़ा लिया है। अब जो देश की समस्त जो योजनाएं हैं, जितनी ही भी हमने सिंचाई की योजनाएं बनाई हैं, जितना भी हमने भले वो योजना काल में हुआ हो या योजना काल से परे जो भी काम हुआ है, आज हमारी कुल जो सिंचाई क्षमता है वो लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है, सॉरी 1500 लाख हेक्टेयर, सॉरी 1500 लाख हेक्टेयर में हमारी सिंचाई क्षमता हो चुकी, यानी हमारी कुल कृषि भूमि का हम 1500 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने दीर्घ परियोजनाएं बनाकर पंचवर्षीय योजनाओं के साथ हमने अपनी सिंचाई के अंदर विकास किया, जो 230 लाख हेक्टेयर से बढ़ के कितनी हो गई है, 1500 लाख हेक्टेयर पहुंच चुकी है। इसके बाद हमने जो मेन काम किया है वो उर्वरकों का उत्पादन और उपभोग बढ़ाया है। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा स्वतंत्रता हुई तो हम ऐसा जो उत्पादन करते थे और न ही उपभोग करते थे, हमने योजना काल में इसका उत्पादन बढ़ाया। 60-61 में हम 150,000 टन 150,000 टन यानी 1.5 लाख टन उर्वरक का उत्पादन करते थे, जो आज 10-11 तक बढ़कर 1.5 से 1.25 करोड़ टन हमने इसको कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं 1.5 लाख टन से 1.25 करोड़ टन 1.5 करोड़ टन को आप कर रहे हैं, तो आप इसमें कितनी अनुपात आप देख सकते हैं कि हमने इसको बढ़ा लिया है। तो 1.5 लाख टन से हम 1.25 करोड़ टन के ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसी ही स्थिति हर क्षेत्र में देखने को मिली और उर्वरकों में भी हमने किसी एक उर्वरक में नहीं करी, यूरिया, फॉस्फेट, कई सारे उर्वरकों में अपना ऐसा स्थिति बना ली कि आज हम बड़े पैमाने पर उर्वरकों को निर्यात भी कर पा रहे हैं, हमारी ऐसी स्थिति साउंड हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि हमने जो अपना उर्वरक खपत है वो 2011 में 144 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी, यानी 144 किलोग्राम हर हेक्टर के अंदर उर्वरक डल रहा है औसत रूप से। इसी स्थिति को हम तो हम ये देख रहे हैं कि हम 144 किलोग्राम प्रति हेक्टर देख इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्तेमाल दूसरे विकसित और विकासशील देशों की तुलना में कम है, जबकि चीन 280 किलोग्राम प्रति हेक्टर यूज कर रहा है, इंडोनेशिया जैसा देश भी 147 किलोग्राम प्रति हेक्टर यूज कर रहा है, जापान और यूरोपीय देश की स्थिति तो उससे बेहतर ही है। तो हमारा प्रति किलो हेक्टर तभी भी उर्वरकों का जो उपयोग है वो अपेक्षाकृत कम है। फिर हमने जो उच्च गुणवत्ता वाले संकर बीजों के लिए प्रमाणिक बीजों का उत्पादन और प्रमाणिक बीजों का वितरण करने के लिए कई सहकारी समितियों का गठन किया और बीज बैंक का प्रावधान भी 2000 वर्ष में हुआ, जिसकी वजह से बीजों की उपलब्धता के लिए ढांचागत सुधार किया गया और किसानों तक अच्छे बीजों के किट उपलब्ध करवाए गए और सस्ती कीमतों पर किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। कृषि साख जो 1950-51 में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर किसान को पूंजी की आवश्यकता होती है अपनी खेती के लिए, अपने कृषि कार्य के विकास के लिए, तो उसको 1950-51 तक साहूकारों को और व्यापारियों पर निर्भर करना पड़ता था, जो उससे बड़े ऊंचे दामों पर ब्याज से उसको पैसा दिया करते थे उधार पर, और कई बार उसको अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ती थी। परंतु उसकी 93% गैर संस्थागत स्रोत थे, पहले साहूकार, महाजन और व्यापारी, और सिर्फ 7% ही सहकारी समिति और सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों द्वारा कर्ज दिया जाता था। आज स्थिति बहुत ज्यादा इसमें उन्नत हो चुकी है और कई सारे कृषि ग्रामीण बैंक स्थापना हो चुकी है, कई सहकारी बैंकों की स्थापना हुई है, कई सारे नाफेड है, कई सारे ऐसे संगठनों की और सहकारी संघों की स्थापना हुई है, जिससे गैर संस्थागत स्रोतों का कृषि में अंशदान बहुत कम हुआ है और संस्थागत स्रोतों का कृषि में अंशदान बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब इसके अंदर 2010-11 में जो लक्ष्य था 4,75,000 करोड़ का, 4,75,000 करोड़ का कृषि कर्ज का जो लक्ष्य था और कई सारे सहकारी ग्रामीण
बैंक और क्षेत्रीय बैंक इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बनाकर इस कर्ज को दे रहे हैं और किसानों को आसानी से कम ब्याज दरों पे कर्ज मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड एक नई योजना है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, जिसमें किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिससे वो क्रेडिट पर अपना बीज और दूसरी चीजें ले सकते हैं और जब फसल बेचे तो वो उस क्रेडिट कार्ड का मूल्य चुका कर और अपना काम कर सकते हैं, जिससे बहुत ही कम ब्याज दरों पर उनको आसानी से पूंजी उपलब्ध हो जाती है। खासकर कृषि यंत्रों का भी उपयोग योजना काल में बढ़ा और यंत्रों का उपयोग इस स्थिति में बढ़ा कि जो कृषि है उसको ज्यादा मशीनीकृत किया गया, ज्यादा आसान बनाया गया, श्रम शक्ति का उपयोग को कम किया गया और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई, जिससे थ्रेसर, कुट्टी की मशीनें, स्प्रेयर, ट्रैक्टर्स, आप जानते हैं 1960 से पहले देश में ट्रैक्टर का उत्पादन ही नहीं होता था, यानी हमें ट्रैक्टर अगर चाहिए तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था। 1960 के बाद हमने ट्रैक्टर बनाना शुरू किया, 80-81 तक हमने सिर्फ 71,000 ट्रैक्टर का ही सालाना उत्पादन कर पाते थे और उसको हमने आज बढ़ाकर आज 2010-11 का जो हमारा अंतिम आंकड़ा है उसमें हमने 4.65 लाख है ट्रैक्टर हम हर वर्ष बना रहे हैं और अब बड़े पैमाने पर ट्रैक्टरों का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से योजना काल में कृषि के संस्थागत विकास किया गया और खाद्यान्न उत्पादन में जहां हमने 4 गुना की वृद्धि करी, वहीं खाद्यान्नों के साथ साथ हमने तिलहन, दलहन, जो रबर, कपास, सो आपका रेशेदार फसलें और आप चाय, कॉफी और मसालों में भी बहुत बड़ी पैमाने पर वृद्धि और प्रगति की है। और इस पूरे योजना काल में हमने अपने जो प्रति हेक्टर उत्पादन है, जैसे गेहूं में हमारा 50-51 में 655 किलोग्राम प्रति हेक्टर उत्पादन था, जो 2010-11 में बढ़कर लगभग 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टर हो गया। आप सोच सकते हैं कि 655 किलोग्राम से हम 3000 में पहुंच चुके हैं। तो इसका श्रेय जाता है उन्नत बीजों को, संकर बीजों को, रासायनिक खादों को और कीटनाशकों को, जिन्होंने हमारी फसलों के उत्पादन को बढ़ाया है। और कई सारे कृषि वैज्ञानिकों का भी इसमें पूरा हाथ है, जिन्होंने अपनी कृषि अनुसंधानों से लोगों के लिए इस काम को आसान किया है। तो इस तरह से हम हर क्षेत्र में, न केवल गेहूं बल्कि हर क्षेत्र में अपना विकास किया है और अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाया। अगली कक्षा में हम कृषि के दूसरे पक्षों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।